कैसे हैं स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 14/3 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 इस प्रश्नावली का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 के हमें 5 पार्ट्स दिए हैं भाग करने के लिए। पहला पार्ट हमें दिया है 5, ब्रैकेट में है 2x+1 और दूसरी ब्रैकेट में है 3x+5। इस पूरे को भाग देना हमें 2x+1 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिसको भाग देते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, यानी 5 ब्रैकेट में 2x+1 दूसरी ब्रैकेट में 3x+5, इसको हम ऊपर लिखेंगे और 2x+1 से भाग दे रहे हैं तो इसको हम इसके बटे में लिख देंगे 2x+1, ठीक है। 5, 2x+1 और 3x+5, 1, 2, 3, ये तीनों ही गुणा में हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो नीचे से ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2x+1 से 2x+1 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 5 और 3x+5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5 और 3x+5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड है स्टूडेंट्स 26xy, ब्रैकेट में है x+5 और दूसरी ब्रैकेट में है y-4। इस पूरे को हमें 13x ब्रैकेट में y-4 इससे भाग देना है, ठीक है। तो चलिए भाग दे लेते हैं, 26xy ब्रैकेट में x+5 दूसरी ब्रैकेट में y-4, इस पूरे को हमें भाग देना है इससे तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं 13x और ब्रैकेट में y-4, ठीक है। 13 से 26 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, 13 एक कम 13 और यहाँ पर 13 दूनी 26, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, और y-4 से y-4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, 2y और ब्रैकेट में x+5, 2y ब्रैकेट में x+5, ये हो जाता आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 52PQR ब्रैकेट में P+Q दूसरी ब्रैकेट में Q+R और तीसरी ब्रैकेट में R+P, इस पूरे को भाग देना है इससे 104PQ ब्रैकेट में Q+R दूसरी ब्रैकेट में R+P से, ठीक है। चलिए भाग दे लेते हैं जी, 52PQR ब्रैकेट में P+Q दूसरी ब्रैकेट में Q+R और तीसरी ब्रैकेट में है R+P, इस पूरे को भाग देना है इससे तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं, बटे में 104PQ और एक ब्रैकेट में Q+R और दूसरी ब्रैकेट में है R+P, ठीक है। तो R+P से R+P कैंसिल, Q+R से Q+R कैंसिल, ठीक है, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, ठीक। 52 एक कम 52 और 52 दूनी 104, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 1/2 और यहाँ बचा हमारा R P+Q, बस R और P+Q, नीचे पूरा कैंसिल हो गया है, 1/2 हमने लिख लिया, R P+Q बचा हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 20 ब्रैकेट में y+4 दूसरी ब्रैकेट में y2+5y+3, इस पूरे को भाग देना हमें 5 ब्रैकेट में y+4 से, तो 20y+4 दूसरी ब्रैकेट में y2+5y+3, इस पूरे को भाग देना है हमें इससे यानी 5y+4 से, ठीक है। तो देखिए y+4 से y+4 कैंसिल हो जाएगा,
पाँच से बीस चार बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया नीचे से, तो बचा क्या यहाँ पर चार और ये ब्रैकेट वाला, चार वाई की घात दो प्लस पाँच वाई प्लस तीन, ये हो जाता है आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स एक्स, एक्स प्लस एक, एक्स प्लस दो, एक्स प्लस तीन, इसको भाग देना है एक्स एक्स प्लस एक से, तो एक्स एक्स प्लस एक, एक्स प्लस दो और एक्स प्लस तीन, इसको भाग देना है इससे एक्स एक्स प्लस एक से, ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स प्लस एक से एक्स प्लस एक कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस दो और एक्स प्लस तीन, ये हो गए आपके आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।